अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मचाया हाहाकार, ध्वस्त कर डाले जो है कभी न टूटने वाले सारे रिकॉर्ड। आईपीएल के सभी टीमों में एसआरएच ने पैदा किया खौफ। बताएंगे दोस्तों कौन कौन से रिकॉर्ड बने, लेकिन इससे पहले अभिषेक शर्मा को क्या T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करानी चाहिए या नहीं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेले गए जो है मैच में कई सारे जो है रिकॉर्ड्स तबाह हो गए। जी हाँ दोस्तों, ट्रेविस हेड जो है बल्ले से आग उगल ही रहे थे कि इतने में जो है अभिषेक शर्मा भी जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। बता दें कि कई रिकॉर्ड्स की जो है यहां तक कि जो है ध्वस्त होने की नौबत तक आ गई थी। बता दें कि जहां अभिषेक ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर T20 हिस्ट्री का हाईएस्ट जो है पावर प्ले स्कोर जो है खड़ा किया। इन्हें दोनों ने जो है पहले 6 ओवर में 125 रन जोड़ डाले। इस दौरान अभिषेक शर्मा ने जो है बेहद ही ताबड़तोड़ बैटिंग की। शर्मा ने मात्र 12 गेंदों में 46 रनों का जो है शानदार पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट जो है 383 का था। हर चौके और छक्के के साथ वह आईपीएल में सबसे तेज जो है 50 बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आउट हो गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई, इसके चलते टीम ने 267 रन का बड़ा टारगेट सेट किया, जिसको हासिल करने में दिल्ली की टीम नाकाम रही। ऐसे में ट्रेविस हेड को मैच जो है खत्म होने के बाद जो है प्लेयर ऑफ द मैच का जो है खिताब दिया गया। वहीं पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की पारी 199 रन पर ही सिमट गई और उनके हाथ 67 रन की जो है हार लगी। अब जानते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड बने। तो पहला रिकॉर्ड, यह एक जो है आईपीएल पारी में सबसे ज्यादा सिक्स के रिकॉर्ड की भी बराबरी है। इससे पहले एसआरएच ने ही बेंगलुरु के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में इसी साल 22 छक्के लगाए थे। तो दोस्तों दूसरा रिकॉर्ड, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 266 रन बनाए। यह आईपीएल इतिहास का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। खास बात यह है कि टूर्नामेंट के जो है चारों टॉप स्कोर 2024 में ही बने हैं। इनमें भी जो है टॉप 2 स्कोर एसआरएच के नाम है, जो दोस्तों टीम ने आरसीबी के खिलाफ 287 रन का विशाल स्कोर बनाया था। तीसरा रिकॉर्ड जो है, सनराइजर्स हैदराबाद ने टूर्नामेंट में तीसरी बार 250 से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया है। वही दोस्तों चौथा रिकॉर्ड है, एसआरएच जो है 5 ओवर में 100 रन बनाने वाली जो है पहली टीम बन गई है। पांचवा रिकॉर्ड, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है पावर प्ले के 6 ओवर में 125 रन बनाने का स्कोर जो है रिकॉर्ड बनाया है। यह T20 जो है क्रिकेट के पावर प्ले में सबसे बड़ा स्कोर है। छठा रिकॉर्ड, सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है 5 ओवर में सेंचुरी पूरी करने के बाद 10 ओवर में 158 रन का स्कोर भी जो है खड़ा कर दिया। शुरुआती 10 ओवर में यह आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर है। सातवां रिकॉर्ड, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने जो है 200 रन 14.5 ओवर में ही पूरे कर लिए। टीम ने इस सीजन तीसरी बार अपने जो है 200 रन 15 ओवर में जो है पूरे कर लिए। टीम ने एमआई के खिलाफ जो है 14.4 और आरसीबी के खिलाफ 14.6 ओवर में जो है दोस्तों 200 रन पूरे कर लिए थे। आईपीएल में सबसे तेज 200 रन बनाने का रिकॉर्ड आरसीबी के नाम है। टीम ने 2016 में पंजाब के खिलाफ 14.1 ओवर में 200 रन पूरे कर लिए थे। आठवां रिकॉर्ड, ट्रेविस हेड पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एसआरएच के प्लेयर जो है बन गए हैं। वही नौवा रिकॉर्ड के खिलाफ जो है फास्टेस्ट 50 लगाई। डीसी के खिलाफ हेड ने जो है 16 ही बॉल पर हाफ सेंचुरी लगा दी। दसवां रिकॉर्ड, फ्रेजर मैगर ने जो है बनाई डीसी के लिए फास्टेस्ट जो है 50। उन्होंने महज 15 बॉल पर जो है 50 लगाई और 18 बॉल पर 65 रन की जो है ताबड़तोड़ पारी खेली। तो फिलहाल दोस्तों इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।